बोलो सर, इस साल भी टेंडर किसी और कंपनी को मिला है। What? How it is possible? But हमारी बीट तो सबसे कम थी। I know sir, still we are helpless. Shit. हाँ बेटा आ गए, आज बहुत देर कर दी। हाँ मॉम, आज टेंडर का रिजल्ट था। भुवन, ऑफिस से कॉल आया था मुझे, तुझे इस बार भी टेंडर नहीं मिला ना? अरे सुनिए, अभी आया बाहर से, थोड़ी शांति रखिए। कैसे रखूं शांति? पिछले 4 सालों में 5 करोड़ का नुकसान किया है इसने। अच्छा खासा आर्मी में सिलेक्शन हुआ था, न जाने किस रैंक पर होता अभी। पापा माना नुकसान किया है, पर पैसे भी बिजनेस से बनाए हैं, और बिजनेस में तो डाउनफॉल आ सकता है। तो क्यों गया था सब कुछ छोड़कर बिजनेस करने के लिए जब आर्मी में सिलेक्शन हो गया था? तो इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे पैसे कमाने थे, ना कि आर्मी की पोजीशन। आखिर आपको क्या मिला आर्मी में रहकर? मुझे क्या मिला आर्मी में रहकर? सम्मान मिला, सोसाइटी में इतनी इज्जत मिली, और मुझे खुशी है कि मैं अपने देश के कुछ काम आ सका। हमने बहुत अच्छी जिंदगी जी आर्मी में रहकर, तुम लोगों की इतनी अच्छी परवरिश करी। आर्मी इज रियली रियली गुड। ओ प्लीज, ऐसे समय आपको मेरा सपोर्ट करना चाहिए, ना कि पिछली बातों का रिग्रेट। आपको मेरी गलती दिखाई देती है, तभी अमर को क्यों कुछ नहीं बोलते? अमर के बारे में मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता, वो तुमसे बेहतर है। अगर वो बेहतर है तो हमारी क्यों नहीं सुनता? दिन भर बाहर घूमता रहता है, कुछ काम नहीं करता। पर बात वही है ना, आपको तो बस अमर ही प्यारा है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। भुवन बेटा, बेटा रुको। पापा हमें आपकी रियल वाली गन ना, हमें खेलना है। रियल वाली गन? बेटा अगर रियल वाली गन से खेलना है ना, तो उसको अपने देश की सुरक्षा के लिए चलाना और बड़े होकर इंडियन आर्मी ज्वाइन करना, ताकि पापा को भी आप दोनों बताओ, पापा को भी आप दोनों बताओ। हम सीबीआई से हैं। हमें मालूम पड़ा है आपके पास न्यूक्लियर बम बनाने का सामान है। What? Yes. न्यूक्लियर बम सबसे? Yes. हम चेक करेंगे गाड़ी आपकी। आइए। But, sir. आइए। बहुत शौक है तुझे बम बनाने का। सर ये बैग मेरा नहीं सर। अरेस्ट हिम। बट सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर बिलीव नहीं, मैंने कुछ। सर हेडक्वार्टर से फोन है। बात करो। सर हेडक्वार्टर से मैं छोड़ने का ऑर्डर है। ठीक है। सॉरी सर, हमने आपको डिस्टर्ब किया। वी अपोलोजाइज। हाँ सॉरी।